guys, welcome to another gameplay. Today we are playing Minecraft Series 1. So, if you have seen my build party, my brother's build party, then go and watch it quickly. And like and subscribe. So, today we are going to make a creative world in our chest house. First gameplay, we will make a chest house. So, let's see if we can make it or not. So, let's make it. Now, we will do flat world. Creative world name. अरफात गेमर एस एम पी रखते तो वर्ल्ड क्रिएट होने के बाद मिलते आपसे ब्रो। तो मैंने सामान ले लिया कैसे बनाना, तो पहले ब्लैक कंक्रीट से हम लोग ज़्यादा बड़ा सिंगल चेस्ट बनाएंगे। एक सिंगल चेस्ट में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो ऐसे करके हम लोग सिंगल चेस्ट इतना ही बड़ा बनाएंगे, ज़्यादा चौड़ा भी नहीं बनाएंगे। तो पहले जल्दी से इसका बॉर्डर बना देते हैं। तो अभी इसका बॉर्डर बनाते हैं पूरा कैसे करना है, तो अभी इससे बाद मिलते हैं आपसे। तो ब्रो यहाँ पे हम लोग ने सब बॉर्डर वॉर्डर बना दिया, एक लाइन बना दिया था मैंने। तो अभी फटाफट से ऐसे सबको भर देते हैं फटाफट, और आपको भरने के बाद मिलते हैं। गेट जाम। तो भैया जी हम लोग आ चुके हैं अभी। अब हम मैंने वीडियो नहीं रोकनी भाई। तो यहाँ पर ऐसे जो हो गया था ना, इतना लाइन बना दिए थे हम लोग, तो अभी लाइन बनाने के बाद मिलता है। यहाँ पर लोग आ चुके हैं, मैंने बॉर्डर बना के हिम्मत नहीं थी, तो आप लोग के साथ बातचीत करते ही बनाएंगे भाई। फटाफट से भी बनाते हैं यहाँ पे। एक लाइन तो कंप्लीट हो गई यहाँ पे, एक बॉर्डर। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरे को चेस्ट बनाने नहीं आता ना। आप पूरी वीडियो में देखो, अगली वाली वीडियो में शायद हम लोग कुछ करें। अगली वाली वीडियो तो खतरनाक होने वाली, कुछ भी समझ लो आप, मतलब आपके माइंड में जो भी आएगा तो आप सोच के कमेंट बताना अगली वाली वीडियो में क्या बनाने वाला हूँ। आप अगली वाली वीडियो में, इस वाली वीडियो में मतलब कमेंट करके बताना मैं क्या बनाने वाला हूँ। तो बातों में दो लाइन हो गया है, दो लाइन और बाकी है। और ये सेंटर बनाने में ना आदत ख़राब होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। SMP बनाना कोई मामूली बात नहीं, ये SMP बनाने में अच्छों की ना हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे ड्रीम को देख लो, ड्रीम ने SMP बनाई कि हालत ख़राब हो गई। कि ड्रीम ने फेस रिवील किया, जो आपने देखा था, मैं सच बोलूँ तो ड्रीम ने फेस रिवील कर दिया है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप लोग ये स्लाइम ना मेरे काम पर रख कर दिया, इसको ख़त्म कर रहा है, ये देखो ख़त्म करो। जो भी है भाई, स्लाइम के बच्चे हैं, पहले हार्ड आता है, फिर मीडियम आता है, फिर इजी आता है। तुम फटाफट से ऐसे करते हैं, पहले हॉट स्लाइम आ जाती है, जाते हाथों में इतना खराब हो गया। तो यहाँ से आप लोग कुछ नहीं करना, बस दो लाइन का ऐसे आप लोग को कर देना है। दो लाइन का करने के बाद अभी देखो मैं क्या करता हूँ। अभी दो लाइन का कर देते पहले, अब बस जैसे तो होता है क्या। आप लोग ये लग रहा होगा ये क्या बना रहा है यार, तुझे तो कहीं से भी चेस्ट नहीं लग रहा है ना, आप लोग ये सोच रहे होगे। अगर अभी आगे देखो क्या होगा, तो अभी ये बनाने के बाद मिलते हैं आप। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने इतना बना दिया, बोलो क्या है भाई क्या है। अभी आगे देखो होता है क्या। अभी मैं एक्सेलेटर कर रहा था कि मैंने बहुत सारी एक्सेलेटर ली है पिंक वाली। तो पहले अरे वो इतने सारे मैंने मार दिया, मैंने मेरे कार्ड में नहीं कहता। तो ये सब का भी तोड़ते हैं, छोड़ते हैं जल्दी से। तोड़ना पड़ेगा, फटाफट से तोड़ते हैं। तोड़ते बोल रहे हैं, फटाफट से लगाते हैं। रात उनको एकदम पसंद नहीं है भाई, रात को तो बोलोगी मैं।
ये बाउंड्री बन गया है, तो ये बहुत ज़्यादा ही बग रहा है। तो आप लोग सोच रहे हो ये चेस्ट है, ये कुछ और है। अभी देखो इसको ऐसे ऐसे ब्लॉक ब्लैक कंक्रीट होते हैं ना, इसको ऐसे 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 करके बना लेना है। जल्दी जल्दी करके बनाते। क्रीपर आ गया भाई, क्रीपर आ गया, इससे लिपट के मिले। क्रीपर से तो लिपट लिया हम लोगों ने, और अभी इसको करते हैं। सब चीज़ करने से बात मिलता है आपसे। तो रेडी मेरा चेस्ट देखने के लिए, तो 3 2 1 टन टन टन। कोई हंसेगा नहीं, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे अभी इंटीरियर भी इंटीरियर बनाते हैं भाई, अच्छा है ये भी। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके तोड़ लेते हैं, अंदर बहुत स्पेस है। तभी इंटीरियर बनाने के बाद मिलते हैं आप। तो रेडी मेरा इंटीरियर देखने, पहले आपको पूरा चेस्ट पर दिखा देता हूँ। यहाँ पे सामने है ये चेस्ट है, यहाँ पे पीछे से एंट्री है। तो सीढ़ी चढ़ो और ये थ्री फोन ये हो सकते हो दरवाजे में। इतना प्यारा लग रहा है, यहाँ पे आर्मर के ढेर है। आप पेंटिंग करवाते अच्छा लग जाता है, पेंटिंग पे एक पेंटिंग लगा दो तो बड़ा सा। यहाँ पे लगा देते, यहाँ पे भी लगा देते, ये सेम नहीं लगाना। ये अच्छा है, ये बन गया पूरा का स्वीट होम। तो देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर मेरे चैनल कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।